नारायण नारायण। तो प्यारे भक्तों, पिछले साल भर से आसाराम और उनके सुपुत्र के नए नए खुलासे देख रहे हो आप। अब एक और नया खुलासा देखो। बच्चा नारायण दास ने अपने परम पूज्य बापूजी का एक अति सुंदर स्टिंग ऑपरेशन किया। वैसे अगर वो स्टिंग ऑपरेशन की जगह बापूजी का नसबंदी का ऑपरेशन करा देता तो इस देश का उद्धार हो जाता और बेचारी कुछ सेविकाएं भी अनोखी दीक्षा से बच जाती। खैर, उस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जय हिंद के हाथ लग चुका है। आइए आप भी उस संस्कारी स्टिंग को देखकर लाभ उठाएं। आ गई जी प्रभु। उतारो जी जूते, आश्रम में अलाउड नहीं। ठीक है, मैं उतार के आती हूँ। कोई बात नहीं सेविके, तुम आ ही गई हो ना, तो बैठ जाओ। बैठो। दीक्षा का टाइम निकला जा रहा है सेविके। क्या आप सचमुच मेरा प्रभु से साक्षात्कार कराएंगे? अवश्य, वैसे तो मैं स्वयं प्रभु हूँ। यानी आप मुझे नारायण से मिलवाएंगे? ऐसे शुभ अवसर पर उस मनहूस कुत्ते का नाम क्यों ले रही हो सेविके? ये कुत्ता तो तेरा भी बाप है, तेरे को ऐसा काटूंगा कि 14 साल के जेल का इंजेक्शन लगेगा। नहीं नहीं, मैं तो उस नारायण की बात कर रही हूँ जो तीनों लोक के स्वामी हैं। फिर तो अति उत्तम, अति उत्तम। थैले में क्या है इसमें? ओह, इसमें इसमें वो तेल, इत्र वगैरह, दीक्षा के बाद आपकी मालिश के लिए। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। तो प्रभु, दीक्षा का प्रोग्राम शुरू करें। एक मिनट सेविके, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कहीं तुम उस मनहूस से तो दीक्षा नहीं ले चुकी हो? नहीं नहीं बापूजी, मैं तो फर्स्ट टाइम दीक्षा ले रही हूँ। शायद आपने मेरी बहन को देखा होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि बापू किसी को भी दोबारा दीक्षा नहीं देते हैं। मैं ठीक से थैला रख दूं वरना गिर जाएगा। ओहो, ये काम अगर हो जाए तो सारे आश्रम मेरे हो जाएंगे बुड्ढे। फिर मैं सबको दीक्षा दूंगा और तू पिसेगा चक्की। सेविके, इसकी आंखें तो तुमसे ज्यादा नशीली लग रही हैं। सेविके, एक काम करो, इसको छोड़ दो और तुम जाओ। जाओ? तुम तो पूरा मान गई सेविके। बैठो, अभी तो दीक्षा का पूरा कार्यक्रम बाकी है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सेविके। कहिए ना प्रभु, मैं तैयार हूँ दीक्षा के लिए। मैं तुम्हारे नाम पे अपना एक आश्रम देना चाहता। क्या? हाँ सेविके। सच प्रभु? हाँ सेविके, बिल्कुल सच। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। अभी कहाँ धन्य हुई हो, धन्य होना तो अभी बाकी है। ये झोले का मुंह जरा उधर घुमा दो। जो आ गया बापू। नहीं, मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तुम धन्य होगी और तुम्हें दीक्षा भी मिलेगी। थोड़ा करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। क्या है कि यहाँ पे रोशनी बहुत होती है। अब मैं दीक्षा देता हूँ। दीक्षा मिली? क्या स्टिंग ऑपरेशन था। वाह वाह वाह, आप भी ये दीक्षा वगैरह बंद कर दो, नहीं तो आपका भी कोई ऑपरेशन हो जाएगा। तो चलिए अब ले लेते हैं एक और एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा दिल्ली का मशहूर धरना कांड। हाँ,
ले लो ना ब्रेक, अन्य तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। बजाओ शपथ लेते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी कि 5 साल के अंदर भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मानो शपथ लेते ही शोभन सरकार का गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, असल बचपन से यही सुनता आ रहा हूं मैं। हमने इतनी तरक्की कर ली, इतना माल बना लिया, ब्लैक में भी व्हाइट में भी, क्या अब भी चिड़िया ही बनेंगे हम?